एपिसोड 1 रिकैप, राइज ऑफ किंगपिन। कोलंबिया के प्यारे से गांव में शुरू हुई थी पाब्लो की कहानी। एक छोटे से लेमिनेट स्टॉल से लेकर वो पहुंच गया था अंधेरों में क्रिमिनल दुनिया के। देखिए कैसे बदलते गए उसके सपने। कोकीन का एक ऐसा ड्रग जो शक्ति का एहसास देता है। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया एपिसोड, कोकीन कार्टेल क्रॉनिकल्स। आज हम देखेंगे पाब्लो एस्कोबार के कोकीन एम्पायर। It's just you and me. School is in session, baby, but I don't play. I know you wanted to go to recess, but I take that away. Understand I'm the man, even if you had a plan. If you make 200,000, I'm keeping 100 grand. Wait a minute. Because I'm pimping you, bitch. This is America, so why not get rich? When you're searching for your music. Escobar ka cocaine empire ek special system tha, जिसे चलाना अपने आप में एक कला है। उसने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया था जो दुनिया भर में घूम रहा था। देखते हैं कैसे एस्कोबार ने अपने लॉजिस्टिक्स को सेट किया। ये मुश्किल काम था जो एस्कोबार को अपने हाथों से करना है। उसने नए नए अलायंस बनाए जिससे उसका कार्टल और भी मजबूत हो गया। उसने दुनिया भर में अपने दोस्त बनाए जो उसके साथ इस सफर में थे। उसके कार्टल ने ड्रग ट्रेड में एक नया दौर शुरू किया। एस्कोबार ने पूरी दुनिया को अपने वश में कर लिया। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी उठता है, क्या ये खेल कब तक चलेगा? सरकार और लॉ एनफोर्समेंट एस्कोबार के पीछे पड़ी थी। उनकी पकड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी और एस्कोबार को बार बार अपनी गलतियों का सामना करना पड़ रहा था। अब एस्कोबार का सामना हुआ था अपने आप से, अपने दोस्तों से और अपने दुश्मनों से। उसके साथ हुए ये मुकाबले ने इस सफर को और भी रोचक बनाया। क्या एस्कोबार अपने आप से जीत पाएगा? एस्कोबार का एम्पायर टूटने लगा। वो जो एक समय तक अनोखा था, वो अब गिरने की कगार पर था। हमने एपिसोड 1 राइज ऑफ किंगपिन में देखा कैसे एस्कोबार ने अपने उच्च और नीच के समय का सामना किया। एस्कोबार का कार्टल दुनिया भर में धूम मचा रहा था। ग्लोबल मीडिया उसके पीछे थी और हर कदम पर उसकी चर्चा थी। सरकार ने अपनी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को और भी तेज तरार किया। एस्कोबार का पीछा कर रहे थे लेकिन उसने हर कोशिश को नाकाम बना दिया। एस्कोबार ने अंडरवर्ल्ड में नए नए अलायंसेस बनाए जिससे उसका कार्टल और भी मजबूत हो गया। उसके साथ जुड़े हुए कुछ खास लोग उसके लिए काम कर रहे थे। कोकीन स्मगलिंग के लिए एस्कोबार ने कुछ नए रूट्स तैयार किए जिससे वो गवर्नमेंट और पुलिस दोनों से बच सके। वो अपने टैक्टिक्स समय के साथ बदलता गया। एस्कोबार की फैमिली उसके साथ थी लेकिन उनके बीच भी कुछ अप्स एंड डाउन्स थे। अब एस्कोबार ने अपने परिवार के साथ अपने धंधे को भी संभालना था। एस्कोबार ने कुछ नए तरीके अपनाए जिससे वो अपने इलीगल मनी को लीगल मनी बनाता था। मनी लॉन्ड्रिंग अब उसके बिजनेस का हिस्सा है। ताकत का खेल हमेशा खतरनाक होता है। एस्कोबार ने अपने दोस्तों के बीच होने वाले संघर्षों को डील किया। हर बड़े किंगपिन के सफर में कुछ धोखेबाजों का साथ होता है। एस्कोबार ने कैसे अपने दोस्तों की धोखेबाजी का सामना किया, ये एक नया मोड़ था उसके सफर का। क्या एस्कोबार अपने एम्पायर को बचा पाएगा या फिर उसका अंत होगा?